आपको मैसेज देना चाहिए, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, बस शहबाज शरीफ जिंदाबाद। जी जी शहबाज, बस मैसेज आया ना, वो ऐसे मैसेज दिखाते हैं, दो मिनट में वो टोकन पकड़ाते लेके हम बाहर बनाई हुई है। बहुत अच्छे, अच्छा इकदाम है हुकूमत का, हर जे ऐसे तरह चलते रहे तो चंगी गल है जी, इस तरह। और शहबाज शरीफ जो है बहुत अच्छा कर रहा है काम, और आगे जो शहबाज साहब आपको बहुत हाथ उठा उठा के बीबीए माई बच्चे आपको दुआएं देते हैं कि आटा जो है दो नंबर आ रहा है, बीच में जल रही है, बुरा है, पता नहीं क्या क्या लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, खपते हैं, इनको फ्री चीज मिलती है वो इनको दो नंबर लगती है। गवर्नमेंट कोई भी चीज चाहे वो कोई मेडिसिन भी नहीं है, हमने खुद ये आटा यूज किया, एक नंबर आटा है, कोई इशू नहीं इसमें, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई सारा आटा बहुत अच्छा है वहाँ, वैसे ही ना किसी हाल में भी नहीं खुश रहता। जाहिर सी बात है अच्छी चीज है तो बार बार लोग आ रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना नासिर। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि कुछ आवाम का कहना है, ये गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट जो है इनकी जानिब से जो आटा तकसीम किया जा रहा है ये इंतहाई नाकस है, बीच में से कचरा है बहुत ज़्यादा और सुंडियाँ हैं और ना खाने के काबिल नहीं है। आज हम इधर आए हैं सफाले चौक पे, यहाँ पे आके लोगों से पूछेंगे कि आटे की जो क्वालिटी है वो कैसी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ लाहौर के शहरी मौजूद हैं जो कि इधर से आटा लेने के लिए आए हैं मुजंग से, इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार हकीकत क्या है और अफसाना क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आटा तो बहुत, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? अरफान। अरफान भाई कहाँ आए हैं आप? सफाले चौक पे। सफाले चौक पे आया, आटा ले लिया आपने? हाँ जी ले लिया। ये कितना तोड़ा है आपका, पहला तोड़ा या दूसरा? पहला तोड़ा। कैसे दे रहे हैं हमें, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। माशाल्लाह बहुत इजी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छा ऑफिस बना हुआ है अंदर, वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं वो, जैसे शनाति कार्ड दिखाते उसी टाइम ये उन्होंने तोड़ा दे दिया है। कचरा भी है, बुरा भी है, इनसे जानेंगे। अरफान भाई ये दिखाइएगा, ये आटा बिल्कुल ठीक है, सही आटा, ये सामने दिखाइएगा, ये देखिए, ये देखे नाज़रीन ये आटा है। अरफान भाई का कहना यही है कि ये मैं इसे पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि आटा जो है नाकस है, बीच में बुरा है, वो हकीकत कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं, लोग दे रहे हैं, दुनिया दे रही है, ले रही है और खा रहे हैं। अच्छा, ना होने के बराबर ये है कि पक तो रहना, भूखे तो नहीं मिल रहे ना बच्चे, बाजार में से भी ऐसे ही मिल रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, दो मिनट लगे हैं, ऐसे गया हूँ ऐसे लेके बाहर आ गया हूँ। परेशानी तो नहीं बनी आपको? नहीं, दो मिनट लगे हैं, जिसके पास मैसेज आया ना वो ऐसे मैसेज दिखाते हैं, दो मिनट में वो टोकन पकड़ाते लेके हम बाहर बनाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, जैसे कोई लेडीज की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेडीज के लिए अलहदा, जेंट्स के लिए अलहदा। अच्छा, ये हुकूमत पाकिस्तान का अच्छा इकदाम है ये? हाँ, ये वाला काम जो बहुत अच्छा है, और लेकिन मैसेज अच्छे तरीके से हर अच्छे बंदे के लिए जाना चाहिए, जिसका हक है उसके लिए जाना। जो लोग कह रहे हैं कि ये आटा नाकस है, बीच में बुरा है, गंदा है, भी ऐसे ही मिल रहा है। भाई आपने आटा ले लिया? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई मुझे ये बताइएगा, ये जो आटा है, चंद लोग जो है कह रहे हैं कि आटा गंदा है, आटे में सुंडियां हैं, बुरा है, क्या ये हकीकत है या गलत कह रहे हैं? भाई जान, तुम बाजार चो भी लवोगे ना तो शानपुरा लिखना ही लिखना सही है, 10 किलो चीज ला रहे हो तो 8 किलो 9 किलो लिखनी, 1 किलो 2 किलो शांटी तो मिलनी है, औषध तो लैन जाने, 100 ग्राम 200 ग्राम उन्हें कट लेना। वेरी गुड। हाँ जी, उन्हें कोई ना कोई शहर कटनी है, पाकिस्तान पूरी शहर नहीं मिलनी। जरा घूमते पाकिस्तान आटा फ्री बन दी पी, अच्छा इकदाम है हुकूमत का, हर जे ऐसे तरह चलते रहे तो चंगी गल है, इस तरह किसी ने मिलना पे दस्ती जाकर टोकन दिखाओ, दस्ती मिल लैके आ जाए, कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है कि किसी का जो नहल होता है वो कहते हैं 8 दिन बाद आके दोबारा ले जाओ, तो वो दोबारा दे देती हैं, मुझे पिछली दफ़ा कहा था उन्होंने, कह रहे आप अपना दोबारा शांतिगढ़ आके चेक कराए, मैंने दोबारा चेक कराया, मुझे मिल गया आटा, आटा ठीक है, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे? माशाल्लाह अच्छी बात है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, और शहबाज शरीफ जो है बहुत अच्छा कर रहा है काम, और आगे जो वो क्या नाम लेते पैसे दे रहा है गरीबों को वो भी मिल जाएगा, जो पेट्रोल का उन्हें पैकेज निकाला है माशाल्लाह बहुत अच्छा निकाल रहा है, तो वो बाइक के लिए हमारे लिए बहुत सेटअप रहेगा, तो वो क्या तरीकाकार है हमें ये पता नहीं लगा अभी तक, लेकिन तरीकाकार जब पता लगेगा जब न्यूज़ में आ जाए। सर इंशाल्लाह बड़े पैकेजेस हैं, इंशाल्लाह अभी खुशहाली की तरफ मुल्क जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह जो गवर्नमेंट है हुकूमत पाकिस्तान गरीब आवाम की इसी तरह मदद करेगी। कुछ जाते 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 शहबाज शरीफ साहब को मैसेज देना चाहिए। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, बस शहबाज शरीफ जिंदाबाद। जी जी शहबाज शरीफ जिंदाबाद। नाज़रीन आपकी हमने लोगों से बात करवाई है, लोगों का कहना यही है
कि आटा जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई गंदगी नहीं है बीच में, कोई सुंडियाँ नहीं है। जो बातें कर रहे हैं वो गलत बातें कर रहे हैं। हमने काफ़ी नाज़रीन से बात की है और भी लोगों से जाके आपकी बात करवाते हैं जी। ऑफिस का दौरा भी किया, यहाँ पे आटा भी चेक किया, आटे की क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है जी। तो नाज़रीन और जाके आपकी लोगों से बात करवाते हैं जी। जी जी नाज़रीन, हमारे साथ ऑफिस में चंद जो है काम करने वाले हज़रात भी मौजूद हैं, जो कि हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो लोग कह रहे हैं कि ये आटा नाकस है, बीच में सुंडियाँ हैं, बीच में जो है वो जर्रे हैं और बीच में जो है ना कचरा बहुत ज़्यादा। हमने आपकी पहले भी नाज़रीन बात करवाई काफ़ी लोगों से, उनका तो कहना यही है कि आटा जो है माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त है और बासानी मिल रहा है। हमारे साथ ये मुलाज़मीन भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम उस्मान। उस्मान, अच्छा उस्मान भाई, थोड़ी सी टाइमिंग बता दीजिएगा कि ये आपके ऑफिस की आटा देने की टाइमिंग क्या है। सर ये टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक है। 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक जी। अच्छा अच्छा सर, ये जो लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं जी, आटे में बूरा है, आटे में सुंडियाँ हैं, आटा खाने के काबिल नहीं है, हकीकत क्या है वो ज़रा हमें आप बता दीजिए। सर ये तो बात कॉमन है कि देखें जिस बंदे को ना मिल रहा हो, या कुछ इंतशार पसंद लोग भी होते हैं हर जगह पे, ठीक है, तो ये आटे में कुछ भी ऐसा नहीं है, आटा माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। ये कुछ इंतशार पसंद लोग हैं कि जो बदनाम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जिनको आटा नहीं मिल रहा वो इस प्रोपोगंडे की तरफ लाया जा रहा है उनको। सर ये जो है आपका जो है रमज़ान पैकेज है, क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा गरीब इंसान? जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा सर, इंशाल्लाह मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा सर। सही है। तो सर ये जो आपकी है हर साल इसी तरह ही आपका पैकेज चलेगा, मतलब नेक्स्ट रोज़े आएंगे उसमें भी आपका पैकेज इसी तरह ही चलेगा? सर अल्लाह ताला के का शुक्र अदा करते हैं कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह मज़ीद अगर मज़ीद चलते रहे तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा होगा, मज़ीद अगर चलते रहें तो इससे भी ज़्यादा होगा। जो लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं, जो लोग शुरनियाँ बिखार रहे हैं, फितना फसाद डाल रहे हैं कि आटा नाकस है, आटा मिल नहीं रहा, आटा जो है बीच में बुरा है, आटा खाने के काबिल नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमने ख़ुद भी चेक किया है, आटे की क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है और हमारी पाकिस्तानी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए कि इस रमज़ान में आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है। चलें और कुछ नहीं तो कम से कम आटा तो आपको मिल रहा है ना, अगर महंगाई है, महंगा आटा है इसके अलावा भी, तो जाहिर सी बात है हमारे हुक्मरान हैं चंद, जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे सर के ऊपर जो है इतना कर्जा ले लिया है, अब मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं शहबाज शरीफ साहब से, लोगों ने बड़ी उम्मीदें जो है लगाई हुई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा की तरह जैसे गरीब इंसानों को, गरीब आवाम को रिलीफ देते हैं, इंशाल्लाह आगे भी बेशुमार पैकेज हैं और आपको मिलेंगे जी। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे जी। नेक्स्ट जी, ये कौन है साहब? वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं सर? सर मैं टेलर हूँ। टेलर है, यहाँ पे क्या लेने आए? सर आटा लेने आया था। मिल गया आटा? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो गया। सर देखिए जाहिर सी बात है रमज़ान शरीफ का महीना है, लास्ट टाइम 4 बजे का होता है, जाहिर सी बात है इन लोगों ने भी इफ्तारी वगैरह करनी होती है, तो उस हवाले से फिर 4 बजे का टाइम है। आपको चाहिए 9 से लेके सुबह 8-9 बजे से लेके 4 बजे तक टाइम होता है, आप कल आ जाए, कल जब आप आएंगे आपको बाय इज्जत जो है ना आटा मिल जाएगा। ठीक हो गया सर। जो लोग गवर्नमेंट के असूल के मुताबिक नहीं चल रहे वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है उनसे, तो वो इंशाल्लाह जिस तरह ही गवर्नमेंट के कवानीन को साथ लेकर चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी आटा प्रोवाइड किया जाएगा, उनको भी आटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर आप अहल नहीं है, ठीक हो गया ना, उनका कहना भाई का यही है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं, जिनके आईडी कार्ड सिम वाले हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड है सर, लेकिन आप अहल नहीं ना है। वो सर मजदूर आदमी, मैं मेरी कौन सी कोठी का रहे हैं? सर आप मजदूर हैं, ये जो मुलाजमीन है ये भी मजदूरी ही कर रहे हैं ना, आप लोगों को इतना बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, आपको तो चाहिए शुक्र का कलमा पढ़ना। आप ये देखे दूसरे जो आपके बहन भाई है ना, उनको तो मिल रहा है ना आटा, ये आप देखिए, आप जब अहल होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कल आ जाइएगा। कहाँ से होंगे, कहाँ से? आपको जो है ना मालूम दे देते हैं ऑफिस वाले जी। नाज़रीन आपने ऑफिस वालों से बात की, हम ऑफिस में आए, आटे के ऑफिस में आए, इनका कहना यही है कि हम आटा
रोज़ की बुनियाद पे जो है ना सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक लोगों को आटा दे रहे हैं और आटा बिल्कुल ज़बरदस्त है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रशीद अहमद। रशीद अहमद भाई, हमें ये बताइएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि आटा नाकस है, बीच में बुरा है, आटा ठीक नहीं है, क्या ये हकीकत है, ये गलत कह रहे हैं? नहीं, ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल। ये ना सिर्फ नून ली उन्हें बदनाम करने के लिए है, तो लेकिन आटा फर्स्ट क्लास है और मिल भी आसानी से रहा है। इनका प्रोसीजर जो है बहुत अच्छा है। अच्छा। आटा सप्लाई करने का या देने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका, और बहुत मेहरबानी इनका, शुक्रिया कि हमें जो है कि रमज़ान में आसानी हो जाएगी। शहबाज़ शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि रमज़ान में जो है आटा मिल जाए तो बड़ी बात होती है। आटा मिल जाता तो बड़ी बात होती है। हमारे साथ एक खातून भी, इनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो लोग कह रहे हैं कि आटा बुरे वाला है, आटा ठीक नहीं है, इनसे जानते हैं कि आटे की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? नौशीन रशीद। नौशीन रशीद, अच्छा आप ये बताइएगा जो लोग कह रहे हैं कि आटा ठीक नहीं है, क्या ये हकीकत है या गलत कह रहे हैं? नहीं, आटा बहुत अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल सही है। मैंने रोटी भी पकाई है, बहुत अच्छा है। उनका शहबाज़ शरीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें आटा दिया है, ये हमें दे रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। रमज़ान में अल्लाह ताला उनको और बरकत दे, सबका करें मेहरबानी उनकी। आप शहबाज़ शरीफ साहब को क्या मैसेज देंगी जी इस हवाले से, जो आटा फ्री दे रहे हैं माशाल्लाह? ये सवाब का काम कर रही हैं और क्यों आगे भी इनको इस तरह के काम करने चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला सब देते हैं। सुभाषी साहब आपको बहुत हाथ उठा उठा के बीबियाँ माई बच्चे आपको दुआएं देते हैं, आपको अल्लाह पाक इलेक्शन में भी कामयाब करे। तो आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आपने गरीबों का ख्याल रखा है, आपको इसका जजा अल्लाह पाक ही देगा, हम लोगों ने क्या देना है। अल्लाह पाक ही जजा देगा शहबाज़ शरीफ साहब, अल्लाह पाक आपको इलेक्शनों में कामयाब करे। नाज़रीन आगे चल के और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम सादिया। सादिया आप क्या करती हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में है। अच्छा, ये लोगों का जो कहना है कि आटा जो है 2 नंबर आ रहा है, बीच में जर रहे हैं, बुरा है, पता नहीं क्या क्या लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, आप बताइएगा हकीकत। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि आवाम को जो भी चीज़ फ्री में मुहैया की जाती है ना, उनको 2 नंबर नज़र आती है। जहाँ पे इनको पैसे भर के मिलते हैं ना, उनको 1 नंबर नज़र आती है। यही जो टेल्ट स्टोर पे जाएं या आम स्टोर पे 1158 रुपये का एक थैला 10 किलो का मिल रहा है, वो उनको 1 नंबर नज़र आएगा, क्योंकि ये वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहेंगे। अब इन अपनी मेहनत नज़र आएगी तो वो 1 नंबर है। हम यहाँ से खपते हैं, इनको फ्री चीज़ मिलती है, वो उनको 2 नंबर लगती है। गवर्नमेंट कोई भी चीज़ चाहे वो कोई मेडिसिन है वो प्रोवाइड करती है, तो ये उन पर एतराज़ करते हैं कि ये भी 2 नंबर ही है, जबकि इनको इस चीज़ का पता नहीं कि गवर्नमेंट वो कहाँ कहाँ से होके आती है, किस किस लैब से होके आती है, वो 1 नंबर चीज़ होती है। हम खुद इस फील्ड में हैं, हम भी पहले सोचते थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने खुद ही आटा यूज़ किया, 1 नंबर आटा है, कोई इशू नहीं है इसमें, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। आटा जो है आपको अच्छा व्हाइट आटा है, बिल्कुल परफेक्ट आता है, जो आम दुकानों पे मिल रहा है ये वही आटा है, कुछ भी नहीं है जी, वही आटा जो हम आम रूटीन में यूज कर रहे हैं, बस ये इनको फ्री में मिल रहा है इसलिए इनको 2 नंबर चीज नजर आ रही है। फ्री में मिल रहा है इसलिए आपको 2 नंबर चीज लग रही है। शुक्र करें कि पहला रमजान है और शहबाज़ शरीफ साहब लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? आरफा तनवीर। आरफा तनवीर, आप भी इधर है ऑफिस में? सर मैं भी हेल्थ में, इसके साथ हेल्थ में है। क्या कहना चाहेंगी जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी आटा 2 नंबर है, आटे में बाजरा है, आटे में बुरा है, क्या है ये? नहीं सर, आटा बहुत अच्छा है, वहाँ वैसे ही ना किसी हाल में भी नहीं खुश रहती। अब इतनी सहूलत दे रहे हैं इनको तो इनको खुश होना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे बाहर जाएंगी 1250-1180 का आटा मिल रहा है वो लेंगे, अगर वो भी इसी तरह का होगा तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेना, क्योंकि उन पे पैसे खर्चेंगे। यहाँ पे आते हैं इनको इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, इवन के हमारे यहाँ ऐसे भी हमारे वर्कर हैं जो ट्राले तक इनको छोड़ के जाते हैं, ये प्रोटोकॉल इनको रास नहीं है, इनको सिर्फ धक्के चाहिए। आप खुद देखें कि यहाँ की इंतजामिया ने इतना अच्छा अरेंज किया हुआ है, और पूरे लाहौर में तकरीबन 10 यहाँ स्टॉल हैं आटे के, सबसे बेस्ट यही है, यहाँ पे डेली विजिट आते हैं और प्रोटोकॉल के साथ हम इन लोगों को आगे सर्व करते हैं, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ रास नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही आटा, कोई दो नंबर जी, बिल्कुल आटा सही है। यहाँ में ऑफिस में जो जॉब करती हैं गर्ल्स, इनका कहना यही है
कि हम पाकिस्तानी आवाम जो है इन्हें सहूलतें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन के जो लोग आटा नहीं उठा सकते हैं उनकी हेल्प आउट भी की जाती है, क्योंकि आटा फ्री मिल रहा है ना। जब आटा फ्री मिल रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों ने बातें तो करनी है। शुक्र का कलमा पढ़ें कि ये पहला रमज़ान है और आपको आटा फ्री मिल रहा है। बिल्कुल अगर आटा सही नहीं है तो इतनी ज़्यादा जो आवाम है यहाँ पे आटा लेने आ रही है, मिट्टी लेने आ रही है, जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ है तो बार बार लोग आ रहे हैं ना। तो नाज़रीन इसके साथ ही कैमरा मैन शहजाद के साथ नाना नासिर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।